वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों से जुड़े विभागों के साथ बैठक की और अब तक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा का मानक बनाने पर भी जोर देने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ यूपी ही नहीं बल्कि भारत के ग्लोबल ब्रांडिंग का भी माध्यम बनेगा, क्योंकि महाकुंभ के लिए पूरी दुनिया में उत्सुकता है। बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास और कुंभ मेला अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अब तक की तैयारियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। बैठक में सीएम ने कहा कि वर्ष 2019 में कुंभ का सफल आयोजन यूपी ने मानक स्थापित किया है। इस बार लोगों की अपेक्षाएं हमसे और अधिक होंगी। साल 2019 में 3200 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र फैला हुआ था, लेकिन इस बार 4000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में होगा। वहीं मेला फैला होगा जहां 1.5 लाख से अधिक शौचालय स्थापित होंगे, जिसकी सफाई के लिए 10,000 कर्मचारी होंगे। देखिए, आज दिल्ली में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री सब बैठेंगे, वहां पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। उसमें आने वाले आगामी पंचायत चुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर और जो दायित्व की सूची अभी क्योंकि चुनाव के कारण रोकी हुई थी, चुनाव में सभी व्यस्त थे, तो उसको लेकर भी अभी वो सूची भी आने वाली है और कैबिनेट का जल्दी विस्तार भी और होने वाला है, तो इन सब चीजों को लेकर काफी इससे चिंतन मनन होगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा वो जनता के हित में।